सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय बहुत ही हरा भरा है। आज मैं चर्चा करूंगी एक बहुत ही ईश्वरीय पवित्र वृक्ष की, जिस पर देवताओं का वास माना जाता है और इससे संबंधित बहुत सारे लाभदायक उपाय किए जाते हैं, परंतु इसके पश्चात भी आप उस वृक्ष को अपने घर में नहीं लगा सकते। मैं बात कर रही हूँ पीपल के पेड़ की। तो आज पीपल के वृक्ष के ऊपर चर्चा करते हुए जो हमारे बिंदु हैं वह इस प्रकार होंगे। पहला तो ये कि आप इसे घर में क्यों नहीं लगा सकते। दूसरा, इसका किन ग्रहों से संबंध है। तीसरा, इसका महत्व क्या है। चौथा बिंदु होगा कि इससे संबंधित क्या उपाय किए जा सकते हैं और उनका क्या लाभ प्राप्त होता है। पाँचवा बिंदु है कि अगर आपके घर में पीपल का वृक्ष निकल आता है, उग जाता है, तो फिर उस वृक्ष का आपको क्या करना है। छठवा ये होगा कि पीपल के वृक्ष के नीचे रात में सोते क्यों नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले बिंदु से। पीपल का वृक्ष घर में क्यों नहीं लगाया जा सकता। माना यह जाता है कि पीपल का वृक्ष घर में लगाने से घर में दरिद्रता आती है, उन्नति नहीं होती, जो वैवाहिक सुख है उसमें कमी हो जाती है, पति पत्नी के बीच में कलह हो सकती है, या जिनके घर में अविवाहित पुत्र पुत्रियां हैं उनके विवाह में भी बाधा आ सकती है, जिनके संतान नहीं है उनके संतान उत्पत्ति में देरी हो सकती है या कष्ट हो सकता है, और संतान की उन्नति में भी बाधा आ सकती है। अब जब ये वृक्ष इतना पवित्र है और ईश्वरीय है, तो फिर ये बाधाएँ क्यों आती हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि घर में लगाने से ये बाधा आएगी परंतु बाहर लगाने से बहुत लाभदायक होगा। असल में पीपल के वृक्ष पर लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, जिनका नाम अलक्ष्मी भी है और जिन्हें दरिद्रता के नाम से जाना जाता है, उनका वास होता है। जब दरिद्रता ने, ज्येष्ठा ने अपने पति का घर छोड़ दिया था, तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि वो उन्हें बताएं कि वो कहाँ रह सकती हैं। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि आप निर्जन स्थलों पर जो पीपल के वृक्ष होते हैं आप उनमें वास करिएगा, तो इसीलिए आप उसे घर में नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि इसका किन ग्रहों से संबंध है। वैसे तो ये जो पीपल का वृक्ष है, ये है तो गुरु बृहस्पति ग्रह का वृक्ष, लेकिन शनि देव से संबंधित उपाय भी इसके लिए किए जाते हैं। उसकी वजह है पिपलाद ऋषि। पिपलाद ऋषि ने जब शनि देव पर प्रहार किया था, तो शनि देव ने उनसे कहा था कि जो भी पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएगा आपका स्मरण करते हुए, मतलब पिपलाद ऋषि का स्मरण करते हुए जल चढ़ाएगा या सरसों के तेल का दीपक करेगा, मैं उन्हें कभी कष्ट नहीं दूंगा। तो इसीलिए शनि देव से संबंधित उपायों में भी और शनि ग्रह से संबंधित जो भी किए जाते हैं उपाय या जो भी कष्ट निवारण के लिए किए जाते हैं, उसमें भी पीपल के वृक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। तो ये ज्योतिष के दो सबसे शक्तिशाली जो ग्रह हैं, सबसे विशाल सबसे शक्तिशाली जो ग्रह हैं, बृहस्पति और शनि, उनसे संबंधित है। इसी से आप समझ सकते हैं इसका महत्व कितना अधिक है। अब बात है कि एक और धार्मिक बिंदु है जिसके की वजह से इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। वो ये है कि जब ज्येष्ठा को या दरिद्रता को रहने के लिए पीपल का वृक्ष दिया गया, तो उन्होंने कहा वो निर्जन स्थलों पर होता है और अकेले तो मैं बहुत ही उदास हो जाऊंगी। तो लक्ष्मी जी ने और विष्णु जी ने उनसे कहा था कि वह हर शनिवार को उनसे मिलने आया करेंगे। तो इसीलिए अलक्ष्मी से मिलने के लिए लक्ष्मी जी और विष्णु जी शनिवार को आते हैं। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक करना या जल देना या पूजा अर्चना करना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी की कृपा उससे होती है और अलक्ष्मी आपसे दूर रहती है। इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया है, आप मेरे वीडियो के जो सेक्शन है उसमें जाकर देख सकते हैं। इसमें शनि साढ़े साती और लक्ष्मी जी और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी के ऊपर सेपरेट वीडियोस हैं, जिसमें आपको इनसे संबंधित पूरे उपाय जो हैं वो मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने चौथे बिंदु की ओर कि पीपल के वृक्ष से संबंधित कौन से उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है जिसकी वजह से जीवन में बाधा आ रही है, श्राप एक बहुत बड़ा होता है, दोष छोटे मोटे होते हैं जिसकी वजह से जीवन में कभी नौकरी में या व्यवसाय में या धन अर्जन में बाधा आती है, आपको अगर पता लगता है कि विवाह में बाधा आ रही है और उसकी वजह कहीं ना कहीं पितृ दोष है हल्का सा, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार को पीपल के वृक्ष लगवाने चाहिए। आप मंदिरों में, आश्रम में, पवित्र स्थलों पे लगवा सकते हैं, आप सार्वजनिक पार्क्स में लगवा सकते हैं, किसी भी ओपन एरिया में जो है ये वृक्ष लगवा सकते हैं, और आप इनको लगातार हर गुरुवार को लगाते चले जाएँ तो आपके जीवन की जो बाधाएँ वो कम होंगी। इसके अलावा जब पितृपक्ष आते हैं, जो 15 दिन 16 दिन का जो एक पीरियड होता है गणेश चतुर्थी और दुर्गा जी के जो नवरात्र होते हैं उनके बीच में ये समय पड़ता है, उस समय पीपल के वृक्ष को अवश्य ही पूरे 15-16 दिन, तिथि के हिसाब से वो 15 या 16 दिन होते हैं,
जल दिया जाना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर उन 15-16 दिनों में पितरों का वास होता है। वैसे तो पीपल के हर अंग में देवताओं का और ईश्वर का वास है, लेकिन उन 15 दिनों में वो पितरों का स्थान होते हैं, पितर उन 15 दिनों में वहीं वास करते हैं। तो इसलिए उन्हें 15 दिनों में पीपल के वृक्ष को अवश्य जल दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जीवन में बाधाएँ आ रही हैं, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, तो फिर आप क्या करिए, आप पीपल के 11 पत्ते तोड़िए मंगलवार के दिन, और वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर, सुबह करना है आपको ये उपाय, वहीं आप नीचे बैठ जाइए और वहाँ सफ़ेद चंदन से उसके ऊपर श्री राम लिखिए, और श्री राम लिखने के बाद आप उन 11 पत्तों की एक माला बना लें और उस माला को आप हनुमान जी को चढ़ाएं। ये माला बनाने और ये लिखने का कार्य भी आपको पीपल के नीचे बैठकर ही करना है। इससे आपके जीवन में जो धनर्जन में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। और इसके अलावा आपको एक और उपाय करना है, ये वाला जो उपाय है हनुमान जी वाला, ये आप मंगलवार, हर मंगलवार करते रह सकते हैं, जब तक कि आपको लगता है जीवन में बाधा है। कम से कम आपको 21 मंगलवार तो करना ही है, परंतु आप चाहें तो साल, दो साल या हमेशा ही करते रह सकते हैं। दूसरा जो उपाय है उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो आप जो भी पहला पीपल का वृक्ष पड़ता है आप उस पे जाएं, वो किसी मंदिर में भी हो सकता है, और वहाँ जाएं और उस वृक्ष को छुएं और फिर थोड़ा सा जोर लगाएं, और फिर उसके बाद आप प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में आने वाली बाधाओं को जो है वो दूर किया जाए। जैसे हम दूर करते हैं ना, इस तरह से आपको उस पेड़ को, जो पीपल के पेड़ को, थोड़ा सा पुश करना है और पीपल के वृक्ष से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, जो मेरे काम नहीं बन रहे हैं, उन कामों को, मेरे काम संपन्न हो और बाधाएं दूर हो। आप ऐसी प्रार्थना करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम अपने पांचवें बिंदु पर आते हैं कि पीपल के वृक्ष अगर आपके घर में अपने आप ही उगाते हैं, आपने नहीं उगाया, पर बरसात में जनरली घरों में जगह जगह पीपल के वृक्ष उगाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो ईश्वरीय वृक्ष है, इसके तो हर कण में ईश्वर का वास है, सभी देवता और ईश्वर इसमें वास करते हैं, तो इसे काटा तो नहीं जा सकता, पितरों का भी वास होता है, अगर आप इसे काटेंगे तो आपको महापाप लगेगा, तो फिर इसे काटा नहीं जा सकता था, और घर में लगे रहने से उससे दरिद्रता आएंगी, तो फिर आपको क्या करना है, आप पीपल के वृक्ष की पूजा करिए, और इसके पश्चात, पूजा करने के पश्चात आप क्या करिए, उसको मिट्टी समेत निकालिए, मिट्टी के समेत निकाल के आप उसे गमले में रोपित कर दीजिए, और वो गमला आप किसी मंदिर में या आश्रम में जो है वो रख कर आ जाइए जहाँ पर उसकी बहुत अच्छे से देखभाल हो सके। तो आप ये उपाय करिएगा, तो इससे आपको जो पीपल का वृक्ष जो आपके घर में है, इस प्रकार से हटाने से आपको कोई हानि नहीं होगी। पर ध्यान रखिएगा, पीपल के वृक्ष की जड़ कटनी नहीं चाहिए, इसके पत्तियों को, तनों को या जड़ों को काटा नहीं जा सकता सिवाय धार्मिक कार्य के लिए, क्योंकि इसकी जो लकड़ी है उसे संविदा कहते हैं, और वो गुरु से संबंधित और शनिदेव से संबंधित जो हवन किए जाते हैं ज्योतिषीय उपायों के लिए, उनमें उसका उपयोग किया जाता है। तो अगर आप धार्मिक कार्य के लिए उसकी लकड़ी का उपयोग करें तब आप उसे काट सकते हैं, पहले उसको प्रणाम करके, क्षमा याचना करके, उसके बाद आप उसे काट सकते हैं, लेकिन अन्यथा आप उसे नहीं काट सकते हैं। अब बात यह है कि रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, लोग इस तरह की बातें करते हैं कि उस पर प्रेतों का वास होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उस पर कोई भूत प्रेतों का वास नहीं होता, उसमें सिर्फ देवताओं का वास होता है और पितरों का वास होता है। लेकिन क्या होता है, पीपल उन पेड़ों में से जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकालते हैं, और दिन के समय आपने देखा है उसके पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत घने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन निकालते हैं, और रात के समय ये प्रक्रिया रिवर्स हो जाती है, और उस समय वो कार्बन ऑक्साइड निकलती है। अब अगर पेड़, जनरली ये पेड़ जो है वो धार्मिक स्थलों, जो है धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं, वहीं लगाए जाते हैं। अब राहगीर क्या करते हैं कि कहीं रात में सोने के लिए जगह नहीं है, उसके नीचे सो जाएंगे और फिर वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, तो वो उनके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए क्या है, उसको वर्जित किया गया कि रात के समय इस पेड़ के नीचे नहीं सोना है। तो आप देख रहे हैं हिंदू धर्म जो है वो बहुत ही साइंटिफिक है। अगर किसी वृक्ष को हमारे यहाँ पूजनीय या दैवी माना जाता है तो उसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीज़न होता है, या किन चीज़ों का निषेध किया जाता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी बजाना मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको सूचना प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत नमस्कार।